बात करते हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की। अमरजीत भगत के निवास और कार्यालय में 5 दिनों से चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई खत्म हो गई है। कार्रवाई पूरी होने के बाद पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने INH न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि सिर्फ परेशान करने के लिए यह कार्रवाई हुई है, उनके निवास से किसी भी प्रकार के कोई भी बेहिसाब नकदी ज्वेलरी नहीं मिली है। आयकर छापे की कार्रवाई समाप्त हो चुकी है और अभी हमारे साथ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। 5 दिन तक के ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही थी, कैसे देखते हैं पूरी कार्रवाई? ये पूरी तरह से राजनीतिक ये इनकम टैक्स की कार्रवाई थी और आवाज को दबाने के लिए, आदिवासियों की आवाज को कैसे दबाया जाए, कैसे डराया जाए, टेरर पैदा करने के लिए। छत्तीसगढ़ में अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आने वाला है, हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें अपना टेरर दिखाने के लिए, लोगों के बीच में डर पैदा करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहला अवसर है जब किसी मंत्री के खिलाफ, भी आदिवासी मंत्री के खिलाफ, इतना छोटा सा डिपार्टमेंट और उसके खिलाफ ऐसा कार्रवाई किया गया कि मानो पूरा छत्तीसगढ़ लूट लिया हो। पूरा जांच करने के बाद एक सुई के नोक के बराबर भी फर्क कहीं नहीं मिला, चाहे वो जमीन का हो, चाहे वो ज्वेलरी का हो, चाहे वो पैसे का हो। जो पैसे जब्त बताए जा रहे हैं, रायपुर में 7 लाख और अंबिकापुर में 27 लाख, वो अकाउंट से निकला हुआ पैसा है और डेट वाइज उसका डिटेल है, इसके बाद भी जब्त कर लिया गया है। 5 दिन हो गए, तो इतने दिन 5 दिनों तक के कर क्या रहे थे अधिकारी आपके घर के अंदर में? टेरर दहशत, यहां कुछ नहीं मिला, कहीं से भी कुछ भी वो किसी भी प्रकार इन प्रकार जो है डर पैदा करना, टेरर पैदा करना, दहशत पैदा करना, यही काम चल रहा है। चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते रहे कि ईडी डराने की कोशिश करती है, मारपीट की कोशिश करती है, क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ 5 दिनों में? इस दीवारी से बाहर निकलने नहीं दिया गया और कितनी बड़ी मतलब पनिशमेंट है कि अगर घूमने फिरने वाले व्यक्ति को न यहां से सामने टहलने के लिए, सुबह हम लोग 4-5 किलोमीटर दोनों टाइम टहलते हैं, केवल कमरे के अंदर रह करके और इस 4 दीवारी के अंदर एक जैसे किसी अपराधी के साथ सलूक नहीं किया जाता, उसी तरह की स्थिति हो गया था। ये कोल घोटाले में भी आपको नामजद किया गया, इसके अलावा जो कस्टम मिलिंग के में भी आपकी संलिप्तता बताई जा रही, क्या? बता तो रहा हूं कि जितने प्रकार के घोटाले हैं सब में सबका नाम, और कहीं से ये लोग प्रूफ तो करें। अगर बोलते हैं किसी कंपनी में इनका इन्वेस्ट फलाना, तो मैं तो उनसे आग्रह करूंगा कम से कम दिलाए तो, जिस कंपनी में नाम जोड़ रहे हैं कि जहां पर इन्वेस्ट हुआ है, कम से कम उनसे दिला दें तो मेरा भला हो जाएगा। तो उनसे कोई संबंध नहीं है जिनके नाम आ रहे हैं सामने? आपसे मेरा संबंध नहीं है क्या? शहर के प्रदेश के लोगों से संबंध नहीं है क्या? मिल रहे हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, संबंध तो रहता ही है, लेकिन जैसा संबंध बताने की कोशिश कर रहे हैं व्यापारी, कोई संबंध हमारे उन लोगों के साथ किसी के साथ नहीं है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जिन्होंने साफ कहा है कि उनके घर से कुछ नहीं मिला, आयकर अधिकारी ने सिर्फ उन्हें परेशान करने का काम किया है और फिलहाल जो है उन्हें जो आने वाले दिनों में उनका नाम सर्वे में आया है लोकसभा चुनाव को लेकर, और साथ ही साथ जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है उसे जो है विफल करने की साजिश थी। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मनोज नायक, INH 24x7 रायपुर।